नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़। मऊ में दुर्गा पूजा की चल रही है तैयारी। पूरे नगर में जगह जगह पंडालों को सजाने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के अति संवेदनशील जनपद की सूची में मऊ जनपद भी शामिल है। इस जनपद का हर पर्व सकुशल समाप्त कराना प्रशासन के लिए चुनौती बनी रहती है। आगामी दुर्गा पूजा, दशहरा, भरत मिलाप आदि पर्व को सकुशल संपन्न कराना प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है, जिसको लेकर प्रशासन ने कमर भी कस लिया है। पारंपरिक रीति रिवाज से पूरे जनपद में दुर्गा पूजा और रामलीला एक साथ चल रहा है और शहर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगहों पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। कुल दुर्गा पूजा प्रतिमाएं जो अब तक हमारी जानकारी में हैं 353 दुर्गा पूजा हैं, क्योंकि हर जगह पंडाल रहता है, बिना उसके तो होता नहीं है। कहीं कहीं छोटा छोटा है, कहीं कहीं विस्तृत रूप है भक्तों के आवागमन, कहीं सड़क के किनारे हैं, कहीं बिल्कुल सुरक्षित स्थानों पर है। और इस संबंध में स्थानीय थाने द्वारा सभी क्षेत्रों में लोगों से संभ्रांत नागरिकों, दुर्गा पूजा रामलीला कमेटी, इन सबसे बातचीत करके व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा करीब करीब 52 जगहों पर रामलीलाएँ शहर और नगर क्षेत्र देहात में मंचन, कुछ जगहों की रामलीलाएं 10 दिन की हैं, कुछ जगहों के 3-4 दिन के हैं। अपनी शक्ति और सामर्थ्य और अपनी परंपरा के अनुसार लोग मना रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस सतर्क है, निरंतर निगरानी चल रही है। अतिरिक्त PRD की फोर्स की मांग करके ले लिया गया है, कुछ अतिरिक्त होमगार्ड हैं। इसके अलावा मऊ एक अत्यंत सांप्रदायिक संवेदनशील जनपद होने के कारण इस एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स पहले से ही प्राप्त हो चुका है। दूसरा PAC की अतिरिक्त कंपनी प्रदान की गई है। पूर्व से 2 प्लाटून थे, इन सबको समेत रूप से लगा करके ड्यूटी कराई जा रही है और ट्रैफिक को भी यथावत चलाए रखने के लिए तथा नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरा ये टेक्नोलॉजी बेस्ड वो है, पिछले साल भी मांगा गया था तो समझौता उपलब्ध नहीं हो पाया था। और अगर जबकि मुहर्रम और दुर्गा पूजा एक साथ थे, इस बार भी मांग की गई है उपलब्धता के आधार पर, और यदि प्राप्त होता तो हम उससे निगरानी कराएंगे। ड्रोन कैमरा सचल निगरानी में बहुत कारगर सिद्ध होता है। जिले में 353 स्थानों पर दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही 52 रामलीला मंचन का आयोजन किया जा रहा है। तहलका न्यूज़ से सरिता पाल की रिपोर्ट।